चलो तो एवरेज मास के ये क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन यूजिंग फॉलोइंग डाटा। क्लोरीन के दो आइसोटोप हैं, उनकी अक्रेंस जो है 35 वाला 75.77% पाया जाता है नेचर में, और 37 वाला 24.23% पाया जाता है, और इनका मोलर मास ये दे रखा है। फिर पूछा है एवरेज मास बताओ, तो एवरेज मोलर मास क्या होगा, मास ऑफ 35 इंटू परसेंटेज ऑफ 35 प्लस मास ऑफ 37 इंटू परसेंटेज ऑफ 37 डिवाइड बाय 100। तो मतलब टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, यही एवरेज निकालने का तरीका होता है। ये नंबर हमको क्या देता है, मान लो क्लोरीन के, तो एवरेज निकालने का कैसे तरीका होता है, टोटल वैल्यू, ये मैथ्स है, तो टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। तो टोटल वैल्यू क्या आएगी, मान लो क्लोरीन के 100 100 एटम्स हैं, तो अगर 100 एटम्स हैं उसमें से 75.77 एटम्स 35 वाले होंगे और 24.23 एटम्स 37 वाले होंगे। अगर टोटल एटम 100 मान लेते हैं, टोटल नंबर 100 मान लो, तो 75.77 35 वाले होंगे, तो उनका टोटल मास कितना हो जाएगा, 75.77 इंटू 35 प्लस 24.23, इतने परसेंट कौन सा है, 37 वाला है, तो उसका टोटल वेट कितना हो जाएगा, 24.23 इंटू ये, मतलब ये वाला नंबर 36 पॉइंट, यहाँ पे भी 35 नहीं आएगा, 34.96 आएगा, 36.9659। तो यहाँ किया हुआ है, ये सॉल्व किया हुआ, सॉल्व कर लेंगे 35.45 U। सिंपल सा क्वेश्चन है, टोटल वैल्यू डिवाइड बाय टोटल नंबर एवरेज आ गया। यहाँ गलती अगर होगी सिर्फ कैलकुलेशन में हो सकती है और कहीं नहीं हो सकती गलती। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, यूज द डाटा इन द फॉलोइंग टेबल टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ नेचुरली अकरिंग आर्गन आइसोटोप्स। ये थोड़ा यहाँ स्पेस देने वाली है। आर्गन के आइसोटोप्स तीन हैं, 36, 38 और 40, ये उनका परसेंटेज अबंडेंस है और उनका ये मोलर मास दिया हुआ है, एवरेज मोलर मास पूछा है। तो ये ना ध्यान, चलो मैं पहले, तो एवरेज का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ ऑल मास ऑफ आइसोटोप्स इन टू परसेंटेज अकरेंस डिवाइड बाई 100। सो 35 ये क्या है, परसेंटेज, ये हो गया मास इंटू परसेंटेज अकरेंस, मास इंटू परसेंटेज अकरेंस, मास इंटू परसेंटेज अकरेंस डिवाइड बाय 100। सॉल्व करेंगे तो इतना, यहाँ यूनिट्स का ध्यान रखना, यहाँ उसने एवरेज मोलर मास पूछा है, तो मोलर मास का यूनिट क्या होता है, ग्राम, मोलर मास ग्राम में होता है, क्योंकि एक मोल का मास है इसलिए ग्राम पर मोल। ठीक है, ऊपर देखो क्या पूछा था उसने, एवरेज एटॉमिक मास, एटम का मास पूछा था, इसलिए यू लिखा है। तो यूनिट्स नहीं लिखोगे तो आपका हाफ मार्क्स काट सकता है टीचर, ध्यान रखना, पढ़ लेना। ठीक है, फॉर्मूला दोनों का सेम है बट यूनिट्स डिफरेंट हो जाएंगे। तो ये दो क्वेश्चन आप लोग अभी कर दीजिए।